तो भाई लोग आज की वीडियो ना बहुत ही कमाल होने वाली है। आज हम एक एंड्रॉयड फोन को, एक सिंपल एंड्रॉयड फोन को आईफोन में कन्वर्ट करने एक सिंपल एंड्रॉयड फोन को एक आईफोन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक की जरूरत है, एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत है, उसके बाद आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे लेना है और कौन सा एप्लीकेशन है, इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आ गए हम अपने फ़ोन में। आप देख सकते हो मेरे फ़ोन का जो लुक है ना, पूरा आईफोन की तरह दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा जो आप फोन है ना, वीवो यू 20 है, ठीक है, याद रखो वीवो यू 20। वाह क्या सीन है। तो आप मेरे फ़ोन के अंदर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ का जो ऐप है ना सब आईफोन की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसका बैटरी का जो आइकन, इसका जो टावर का आइकन है, ठीक है, सब कुछ आईफोन की तरह शो कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, ठीक है, एक डायल है, एक मैसेज है, एक गूगल क्रोम है, ठीक है, एक सेटिंग है, ठीक है। ये जो आईफोन मतलब सब कुछ आईफोन की तरह शो कर रहा है, ठीक है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये गोला वाला आइकन, ठीक है, यहाँ पे इसको बारे में बता रहा हूँ जो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। आप इस पर टाइप करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे डिवाइस, डिवाइस मतलब क्या, क्विक सेटिंग है, पावर है, ये सब जो आपके फोन का, आपके ओरिजिनल फोन का जो सेटिंग है वो ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप फेवरेट देख सकते हो, रिसेंट देख सकते हो, होम पे ये कंट्रोल पैनल, ठीक है, ये आप देख सकते हो कंट्रोल पैनल, ठीक है। आप अपनी डिस्प्ले के ऊपर के, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर से जब स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा, जो भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आएगा आपको सब दिखेगा, ठीक है। आप जब राइट साइड से स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पे कंट्रोल पैनल दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल आपको पूरा आईफोन की तरह दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ आईफोन की तरह चेंज है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ऐप लाइब्रेरी, ठीक है, इसके अंदर जो इसकी इस ऐप के अंदर जो खासियत बात यह ना कि ऐप को ऑटोमेटिक कस्टमाइज करके कैटेगरी वाइज आपको सेव करके रख देता है, सब कुछ सेट करके रख देता है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐप नहीं मिलता तो ऐप लाइब्रेरी में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे सब एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। आप सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर चले जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना फ़ोन 3 लॉन्चर, ठीक है। ये ऐप मेरे में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैं सिर्फ ओपन का ऑप्शन आ रहा है, और आप लोग जब इसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे ना, तो इसके इस ऐप का जो भी सारा परमिशन होगा आप इसको सब अलाउ कर दोगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो, ये बिल्कुल लैग फ्री है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।